एतमाद मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। औरत को ज़िंदगी में मोहब्बत ना मिले तो उसके लिए मर जाना ही बेहतर है। खूबसूरती को जेवर की ज़रूरत नहीं होती, नरमी जेवर का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मर्द होना हर चीज़ को काबिले माफ़ी और औरत होना हर चीज़ को नाकाबिले माफ़ी बना देता है? लोग इतने खुदगर्ज़ हैं, आप जिनकी मदद करते हैं वही आपके खिलाफ हो जाते हैं। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको तालीम की ज़रूरत है, डिग्रियों की नहीं। बुज़दिली की तरह बहादुरी भी मुतादी है। मर्द और औरत के दरमियान निकाह की पहली शर्त यह है कि दोनों का एक दूसरे से मुकम्मल ताल्लुक होना चाहिए। लोग जो दिल में सोचते हैं वो ज़ाहिर हो ही जाता है, चाहे वो उसे छुपाने की कितनी ही कोशिश करें। अगर मर्द और औरत एक जैसे नज़रियात और सोच रखते हों तो शादी रुकावट बनने के बजाय एक दूसरे के काम में मददगार साबित हो सकती है। दौलत और दर्द मंदी मुतजाद चीज़ें हैं। हमें लगता है कि ये बड़े लोग बहुत खुश हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमसे बदतर हैं। हमें तो सिर्फ भूख की फिक्र होती है, मगर इनकी हज़ारों फिक्रें होती हैं। अच्छी शक्ल तोहीन के अलावा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। दौलत से आदमी को जो इज़्ज़त मिलती है वो उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज़्ज़त होती है। मायूसी मुमकिन को भी नामुमकिन बना देती है। शायरी का आला तरीन फ़र्ज़ इंसान को बेहतर बनाना है। जो चीज़ मुसर्रत बख्श नहीं हो सकती वो हसीन नहीं हो सकती। हमें हुसन का मयार तब्दील करना होगा। अभी तक उसका मयार अमीराना और ऐश परवराना था। कौमी ज़ुबान के बग़ैर किसी कौम का वजूद ही जहन में नहीं आता। फ़नकार को अवाम की अदालत में अपने हर अमल के लिए जवाब देना होगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गरूर है। सोने और खाने का नाम ज़िंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम ज़िंदगी है। जवानी पुरजोश होती है, वो गुस्से से आग बन जाती है और हमदर्दी से पानी। माजी चाहे जैसा हो उसकी याद हमेशा खुशगवार होती है। मैं एक मज़दूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख ना लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं।